किताब का नाम 21वीं सदी का व्यवसाय, अध्याय 6। अध्याय का नाम यह भागदौड़ थामने का समय है। सन 1985 की बात है। मैं और मेरी पत्नी किम बेघर थे। हम बेरोजगार थे और बचत के नाम पर हमारे पास नाम मात्र का पैसा भी ना था। हमारे क्रेडिट कार्ड्स की सीमा खत्म हो चुकी थी और हम एक पुरानी बुरी टोयोटा में रहते थे जिसकी झुकने वाली सीट्स हमारे लिए बिस्तर का काम करती थी। कार में सोने के एक सप्ताह बाद यह कठोर वास्तविकता हमें चुभने लगी कि हम आखिर हैं कौन, हम क्या कर रहे हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब एक मित्र को हमारी दुर्दशा का पता चला तो उसने हमें अपने बेसमेंट में एक कमरा दे दिया। जब मित्रों और परिवार वालों को हमारी हालत के बारे में बताया गया तो उनका पहला सवाल हमेशा यह होता था, तुम लोग कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते। पहले पहल तो हमने कोशिश की लेकिन हमारे शुभचिंतकों को अपने तर्क समझाने में हमें काफ़ी मुश्किलें आई। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो नौकरी को महत्व देता हो तो उसे यह समझाना मुश्किल होता है कि आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते। हम कभी कभार यहाँ वहाँ काम करके कुछ डॉलर कमा लेते थे लेकिन हम वे काम सिर्फ इसलिए करते थे ताकि हमारे पेट में भोजन रहे और हमारे घर यानी हमारी कार में गैस रहे। मुझे स्वीकार करना होगा कि गहरे व्यक्तिगत संशय के पलों में तनख्वाह वाली सुरक्षित नौकरी का विचार बहुत आकर्षक लग रहा था, लेकिन चूंकि हम लोग नौकरी की सुरक्षा की तलाश नहीं कर रहे थे इसलिए हम लगे रहे और आर्थिक खाई की कागार पर एक एक दिन करते जीते रहे। हम जानते थे कि हम जब चाहेंगे हमें एक सुरक्षित और ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सकती है। हम दोनों ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, हम में नौकरी की अच्छी योग्यताएं थी और हमारी कार्यनीति भी ठोस थी, लेकिन हम नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहते थे, हम तो आर्थिक स्वतंत्रता चाहते थे। फिर 1989 तक हम एक मिलियनर बन चुके थे। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ, पैसे बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। यह सरासर बकवास है। बेघर से मिलियनर बनने की हमारी यात्रा में 4 वर्ष का समय लगा था तथा इसके बाद असली आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचने में हमें 5 और साल लगे, लेकिन इसमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास ज़रा भी पैसे नहीं थे। वास्तव में हम तो कर्ज में थे और रास्ते में किसी ने भी हमें कुछ नहीं दिया। इसमें अच्छी औपचारिक शिक्षा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कॉलेज की शिक्षा पारंपरिक पेशों के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन दौलतमंद बनने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर पैसा बनाने में पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनना सीखने में औपचारिक शिक्षा की भी ज़रूरत नहीं होती है तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है। दरअसल इसमें एक सपने की ज़रूरत होती है, बहुत से संकल्प की ज़रूरत होती है, फटाफट सीखने की इच्छा की ज़रूरत होती है और इस बात की समझ की भी ज़रूरत होती है कि आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस खंड में रहकर काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं। कड़ी मेहनत से आप अमीर नहीं बनेंगे। हमारी संस्कृति में एक अजीब सा विचार है जो कहता है यदि आप सचमुच कड़ी मेहनत करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये एकदम बकवास है। दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोगों की ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें यह यकीन दिला दिया गया है। हालांकि इसके विरोध में ढेर सारे प्रमाण हम सभी के आसपास भरे पड़े हैं। आप कहेंगे कौन से प्रमाण? बस अपने चारों ओर नजर डाल लें। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जीवन भर सचमुच कड़ी मेहनत करता है लेकिन इसके बावजूद अंत में उसका जीवन गरीबी की रेखा के अपमान और हताशा से बस थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे रह जाता है? जाहिर है आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं। हम सभी जानते हैं ऐसे किसी न किसी व्यक्ति को। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद निश्चित रूप से उनकी हालत ठीक नहीं रहती। और शायद सबसे बुरा हिस्सा यह है कि इनमें से कई दुर्भाग्यशाली लोग इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि उनकी गलती या व्यक्तिगत अक्षमता के कारण ही ऐसा हुआ है। उन्होंने सभी सही चीज़ें की, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर वे कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब शायद यह है कि उन्होंने पर्याप्त कड़ी मेहनत नहीं की या फिर किस्मत ने उन्हें अवसर ही नहीं दिए। शायद वे सफलता के लिए बने ही नहीं हैं, ऐसा वह सोचना शुरू कर देते हैं।
मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बकवास हैं। समस्या यह है कि कड़ी मेहनत का मिथक सिर्फ सिर्फ एक मिथक है। देखिए, मुझे आप गलत ना समझें, मैं यह नहीं कह रहा कि दौलत बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता पाने में कड़ी मेहनत नहीं लगती है। लगती है, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मुझे उम्मीद है कि आप इतने भी नादान नहीं हैं कि उन मूर्खों की बातों पर यकीन कर लें जो आपसे कहते हैं कि वे आपको दौलतमंद बनाने का ऐसा तरीका बता सकते हैं जो आसान हो, तुरंत कामयाब हो जाते हो और उसमें ज़रा भी मेहनत ना लगती हो। क्योंकि अगर आप इतने नादान हैं तो मैं आपको एक ऐसे पुल के बारे में बताऊंगा जिसे आप सचमुच सस्ते में खरीद सकते हैं और सब प्राइम मॉर्गेज या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स का पूरा तंत्र आपके लिए बिल्कुल सही हो सकता है। नहीं, इसमें भी कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। असल सवाल यह है कि आप किस काम में कड़ी मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि आप कह रहे होंगे इस काम में, जाहिर है, पैसे बनाने में। लेकिन इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक सोच की इस दुखद भूल के पीछे यह कठोर सच्चाई छुपी है। पैसे बनाने में कड़ी मेहनत करने से दौलत कभी नहीं बन पाएगी। जो लोग आमदनी के लिए काम करते हैं वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा टैक्स लगना शुरू हो जाता है। पैसे बनाने में कड़ी मेहनत करने के बारे में भूल जाएं। इससे तो सिर्फ यही होगा कि आप उसे खर्च कर देंगे और उसके बाद आप दोबारा कड़ी मेहनत करनी होगी। आप पूछ सकते हैं, ठीक है तो मैं क्या करूं? आप नियंत्रण अपने हाथों में ले लो। किस चीज़ का नियंत्रण? देखिए, चाहे आप कितनी भी कड़ी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश कर लें, आप जीवन के ज़्यादातर चीज़ों का नियंत्रण नहीं कर सकते। आप बाज़ार को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अपने कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर आप किसे नियंत्रित कर सकते हैं? दरअसल, आप अपनी आमदनी के स्रोत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर समस्या क्या है, मैं बताता हूँ। व्यवसाय खड़ा करना ही वह एक तरीका है जिससे अधिकांश बहुत अमीर लोग अमीर बने हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, माइकल डेल ने अपनी डॉर्मेट्री के कमरे में डेल कंप्यूटर्स की स्थापना की। बहरहाल, बी क्वाड्रेंट में सचमुच जीने वाले लोगों की संख्या ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बहुत कम रही है। सच्ची दौलत उत्पन्न करने के लिए यह क्वाड्रेंट सबसे अच्छी जगह है, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए कुछ अवरोधों को पार करना होता है, जिसकी वजह से अधिकांश लोग इस क्वाड्रेंट से बाहर ही रह जाते हैं। एक बात तो यह है कि अधिकांश लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता जिसकी ज़रूरत उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए होती है। आज की तारीख में अपना व्यवसाय शुरू करने में औसतन $5 मिलियन का खर्च लगता है। दूसरी बात यह है कि शून्य से व्यवसाय खड़ा करना अमीर बनने के सबसे जोखिम भरे तरीकों में से एक है। लगभग 90% व्यवसाय पहले 5 वर्षों में ही असफल हो जाते हैं, और अगर आपका नया व्यवसाय असफल हो जाता है तो ज़रा अंदाज लगाएं कि $5 मिलियन किसके डूबेंगे। व्यवसाय करने के मेरे शुरुआती वर्षों में मैं 2 बार असफल हुआ हूँ। हालांकि मैं कभी दिवालिया नहीं हुआ और मुझे कभी कोई शासकीय सहायता भी नहीं मिली, लेकिन इसमें मेरे कई $1 मिलियन डूब गए। आमतौर पर जब आप खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि जगह के किराए, बिजली पानी के बिलों और बाकी ज़रूरी खर्चों का भुगतान हो, आपके कर्मचारियों का भी भुगतान हो और आपके सप्लायर्स का भी भुगतान हो, वरना आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। अब ज़रा अंदाज लगाएं, भुगतान किसको नहीं मिल रहा है? वह आप हैं। जब आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, और यहाँ मैं एक सफल व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको 5 से 10 साल तक बिना भुगतान के काम करना पड़ सकता है। किम और मेरी कहानी को याद करें, जो अपनी पुरानी टोयोटा कार में सो रहे थे। यह मज़ेदार नहीं था। हम नौकरी कर सकते थे जिससे हमें तत्काल हमारे सिर के ऊपर छत मुहैया हो सकती थी, लेकिन यह चाहे जितना दुखद रहा हो, और मेरा यकीन माने यह था, हमने नौकरी करने के बजाय बेघर रहने का विकल्प चुना, क्योंकि हमें व्यवसाय का स्वामी बनने और बी क्वाड्रेंट में रहने के अपने सपने पर पूरा यकीन था। अधिकांश लोगों में इन परिस्थितियों से मुकाबला करने की मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक या आर्थिक जीवट नहीं होती। यह निर्मम हो सकता है और आम तौर पर होता भी है।
यदि हम एक फ्रेंचाइजिंग ले लें तो फ्रेंचाइजिंग लेने से जोखिम बहुत कम हो जाता है। मैकडॉनल्ड्स या सबवे जैसा प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी होने पर अपनी आपकी सफलता की संभावना काफ़ी अच्छी हो जाती है और ज़्यादातर ज़मीनी काम बना बनाया मिल जाता है। लेकिन आप अब भी सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या पर अटक जाते हैं। ऐसा फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको नकद पैसे देने पड़ते हैं। किसी प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी को खरीदने की लागत $1,00,000 से लेकर $15,00,000 या उससे अधिक भी हो सकती है। और यह तो सिर्फ फ्रेंचाइजिंग के अधिकार खरीदने का खर्च है। इसके बाद आपको प्रशिक्षण, विज्ञापन और समर्थन के लिए मुख्यालय को जो मासिक भुगतान करना होता है वह अलग होता है। और इस सारे समर्थन के बावजूद सचमुच दौलतमंद बना जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। कई बार तो फ्रेंचाइजी घाटे में चलने के बावजूद फ्रेंचाइजी मालिक को मुख्यालय को भुगतान भेजना होता है। भले ही आप उन लोगों में हो जिनका फ्रेंचाइजी सफल हो जाता है, लेकिन इस बात की काफ़ी संभावना है कि पहले कुछ सालों में आप खुद खास पैसे नहीं कमा पाएंगे। और यह भी याद रखें, 3 में से 1 फ्रेंचाइजिंग अंततः डूब जाता है। जब मेरे गरीब डैडी 50 साल के थे तो उन्होंने हवाई के राज्यपाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का दुस्साहस किया, और वह जिसके खिलाफ लड़ रहे थे वह और कोई नहीं उनके तात्कालीन बॉस ही थे। इसके बाद क्या हुआ, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। गरीब डैडी न सिर्फ चुनाव हार गए बल्कि उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया और साफ शब्दों में बता दिया कि वह दोबारा कभी हवाई में सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। डैडी ने अपनी सारी बचत बटोर कर एक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी खरीद लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह फ्रेंचाइजी कभी नहीं डूब सकता। जो फ्रेंचाइजी कभी नहीं डूब सकता था वह डूब गया, और साथ में मेरे डैडी भी। दरअसल उनका सब कुछ डूब गया। सिद्धांतः फ्रेंचाइजी का विचार बेहतरीन है, लेकिन वास्तव में यह एक जुआ है, और यह एक ऐसा जुआ है जिसमें आपको टेबल पर पहुंचने और खेलने का अवसर पाने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। निष्क्रिय आमदनी की शक्ति। क्या आपने कभी पानी के उन स्प्रिंग वाले नलों का उपयोग किया है जो कुछ सार्वजनिक रेस्टरूम्स में पानी बचाने के लिए लगाए जाते हैं? जब आप पानी चालू करते हैं तो आपको बटन दबाए रखना पड़ता है, क्योंकि बटन छोड़ते ही पानी भी बंद हो जाता है। अधिकांश लोगों की आमदनी का स्रोत उसी नल जैसा होता है। आपके पास थोड़ा पैसा बहकर आता है और जैसे ही आप काम करना छोड़ देते हैं यह बंद हो जाता है। इस तरह आप आर्थिक दृष्टि से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आपको तो पैसे का ऐसा नल चाहिए जिसे आप एक बार चालू करें, उसके बाद खुला छोड़ दें और फिर वह अपने आप चलता रहे और कभी ना बंद हो। यह किताब आज, कल और अगला सप्ताह और अगले सप्ताह आमदनी पाने के बारे में नहीं है। यह किताब तो अनंत काल तक अपनी आमदनी सुरक्षित करने के बारे में है। यह निष्क्रिय आमदनी है, जिसे रेसिडुअल इनकम भी कहा जाता है, यानी ऐसी आमदनी जो बार बार आती रहती है। आपको मेहनत करने और आमदनी के इस स्रोत्र में आवश्यक पूंजी लगाने के लंबे समय बाद भी खुद को बी क्वाड्रेंट में पहुंचाना इस दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। लेकिन सारे व्यवसायों में निष्क्रिय आमदनी नहीं मिलती है। यदि आप किसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं तो आपको आमदनी तभी होगी जब आप खाना बनाएंगे और बेचेंगे। यदि आप एयर कंडीशनर्स की मरम्मत करने के व्यवसाय में हैं तो आपको आमदनी तभी होती है जब आप वह सेवा प्रदान करेंगे। यहाँ तक कि ऊंची आमदनी वाले डॉक्टर और वकील भी पैसा सिर्फ तभी कमाते हैं जब वे रोगियों या मुवक्किलों से मिलते हैं। यदि किसी रोगी या मुवक्किल को किसी विशेष सप्ताह में आपके ज्ञान और सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो उनकी आमदनी का नल बंद हो जाता है और उस सप्ताह उसमें से आपको कोई पैसा नहीं बनता। अधिकांश लोगों को निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न करने वाले मार्ग की ज़रूरत होती है। उसी उद्देश्य से डोनाल्ड ट्रंप और मैंने मिलकर कई प्रकार के व्यवसायिक तंत्रों का मूल्यांकन किया जिनसे निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न हो सकती है। हमने अपने परिणाम Why We Want You To Be Rich पुस्तक में प्रकाशित किए। और वैसे यह सिर्फ हमारी पुस्तक का शीर्षक ही नहीं है, हम आपको सचमुच अमीर बनाना चाहते हैं। दौलत सीमित धन का खेल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अमीर बन गए तो आप मुझसे या डोनाल्ड या किसी और से कुछ ले लेंगे। दरअसल हम जिस संसार में रहते हैं वह अद्भुत और प्रचुर है।
यहाँ पर्याप्त से भी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा, सामग्री, चतुराई, रचनात्मक और महत्वाकांक्षा मौजूद है, जिससे इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति दौलतमंद बन सकता है। तो हमने क्या पाया? हमने यह पाया कि एक बिजनेस मॉडल बाकी बिजनेस मॉडल से अलग हटकर दिखता है। यह विशेष बिजनेस मॉडल निष्क्रिय आमदनी प्रदान करता है, साथ ही इसे शुरू करने की लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है। इसमें बार बार होने वाला खर्च भी बहुत कम होता है और इसे अपनी सुविधा के हिसाब से पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है, जब तक कि इससे एंटरप्रेन्योर को पर्याप्त कैश फ्लो ना मिलने लगे और वह अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ने की स्थिति में ना आ जाए। इस बिजनेस मॉडल का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी की पुस्तक इसी के बारे में है। धन्यवाद।